गाइस आप सभी लोग कमेंट किया करो यार, क्योंकि आपका भाई सभी के कमेंट्स पढ़ता है। और ऐसे के अंदर ही मुझे एक कमेंट ऐसा आया जिसके अंदर मुझे ये चैलेंज दिया गया कि अगर हिम्मत है तो आप जो है अपनी बाइक को पानी के ऊपर तैरा के दिखाओ। सुनने में ये चीज इम्पॉसिबल लगती है, लेकिन हमारे भी खून के अंदर टाइटेनियम है, हमारे लिए कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है। तो गाइस काफी ज्यादा मेहनत करने के बाद फाइनली हमने बना दी है एक ऐसी बाइक जो कि पानी के ऊपर तैर सकती है। बाइक सिर्फ एक ही, आप देख सकते हैं कि इसके अंदर हमने इस्तेमाल किया है मिसाइल्स का। वाओ, देखो देखने में ऐसी लग रही है ना जैसे कि कोई आर्मी का टैंक या फिर आर्मी की बाइक हो, दोनों तरफ मिसाइल लगी हुई है, धाय 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 धाय। लेकिन इसका मोटिव यहाँ पे बूम बड़ागा या फिर धूम धबड़ा का करना नहीं है, इसका मोटिव यहाँ पे है बाइक को पानी के ऊपर चलाना, तैराना। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि मिसाइल्स तो लगी हुई है, साथ ही साथ प्रोपेल करने के लिए यानी आगे बढ़ाने के लिए इधर जल्दी आओ, पूरे गियर बॉक्स वाला सिस्टम लगाया है, प्रोपेलर लगाया है। इन सबको करने में लगभग जो है 10 दिन का टाइम लगा और बहुत सारी मेहनत लगी। देखने में ये भले मिसाइल है लेकिन ये रियल मिसाइल नहीं है, इनके अंदर बारूद वगैरह नहीं है। बेसिकली ये फ्यूल टैंक्स है जो कि जेट्स के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं। इसकी एक खास बात ये है कि ये अंदर से बिल्कुल खाली है, यानी कि इसके अंदर हवा भरी हुई है। तो यहाँ पर आइडिया ये है कि हमने दोनों तरफ इन चीज़ों को लगा दिया है, तो उससे होगा ये कि ये जो दोनों टैंक्स है ये गाड़ी को पानी में डूबने से बचाएंगे। और गाड़ी को चलाने के लिए हमने यहाँ पे सबमरीन जैसा सिस्टम बना रखा है, जो कि मैंने आपको पहले भी दिखाया था, जो कि कुछ ऐसा दिखाई देता है देखो। और साथ ही साथ यहाँ पर सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो है इस चीज़ को पानी तक लेके जाना, और उसका हमने पूरा ख्याल रखा है। हमने इस चीज़ को ऐसे बनाया कि ये सारी चीज़ें खुल जाए और इसको अपन कहीं पे लोड कर दे और फिर लेके जाया जा सके। अब हम क्या करते हैं, इसे लेके जाने की तैयारी करते हैं वहाँ पर जहाँ पर इसका असली टेस्ट होगा। तो चलो इसे खोलते हैं, 1 2 3 बैंग, सारी चीज़ें खुल गई है। ये देखो ये भी खुल गया है, लौंडो गाड़ी ले जाओ जल्दी। गाइस अभी जो है मिसाइलें तो चली गई, नेक्स्ट राउंड के अंदर हम बाइक को लेके जाएंगे। रुको, भजन है सबसे ज्यादा, उठाओ ये तो हमारी चीज है। Alright guys, moment of truth, उठाओ। मिशन सक्सेसफुल, यहाँ पे देखो पानी इतना गहरा है, और देखो वाह यार वाह मजा आ गया गाइस। ये देखो अभी इसके ऊपर बैठ के देखते हैं कि ये मेरे बैठने के बाद भी तैरेगी या फिर नहीं। तो मैं इसके ऊपर चढ़ चुका हूँ। आप देख सकते हैं मेरा वजन इतना आसानी से उठा लिया है, तेज सक्सेसफुल हुआ, गाड़ी तैर रही है। अभी इसके अंदर लगाते हैं प्रोपेलर, पीछे लेके चलो वापस प्रोपेलर लगाते हैं। अभी देखते हैं सारी चीजें काम कर रही है, अभी लेके चलते हैं पानी के अंदर। चलो 1 2 3
गाइस गाड़ी के अंदर एक दिक्कत आ गई है, इसकी क्लच प्लेटें उड़ गई। हमें नहीं पता था, पुरानी गाड़ी थी तो क्लच प्लेटें उड़ गई है। ये सब बेसबाजी कर रहे हैं, तो इस गाड़ी को लेके जाएंगे मैकेनिक के पास, नई क्लच प्लेट डलाएंगे, फिर दोबारा ट्राई करेंगे। गाइस आज ये दूसरा दिन और प्रोपेलर इस बार हमने चेंज किया। आप देख सकते हैं कि साइज को काफी ज्यादा छोटा कर दिया है। ये देखो बस इतना सा प्रोपेलर इस बार हमने यूज किया। तो अभी गाड़ी को स्टार्ट करके देखते हैं और देखते हैं कि ये वाला प्रोपेलर कैसे वर्क करता है। ये देखो और भी से घुमा भी पा रहा हूँ। ये देखो चल रही है, ये देखो रफ्तार बन रही है इसकी, और मैं इसे जिधर चाहूं उधर स्टीयरिंग कर पा रहा हूं आसानी से। ये देखो हट जा, गाड़ी आ रही है। रफ्तार देखो, यहाँ पे देखो, ओ तेरी की। बड़ा मजा आता है गाइस जब किसी चीज के पीछे इतनी मेहनत करते हैं। 2 दिन लग गए इसको तैराने में सक्सेसफुली। तो गाइस यार हमारी तो मस्ती अभी चलती रहेगी। मैं लेता हूँ आपसे अलविदा। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।
भाई।